नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है सपोज मुझे करना है 112 एंड सपोज मैं ले रही हूँ 95 का मल्टीप्लीकेशन। अब एक नंबर 100 से ज्यादा है और एक नंबर 100 से कम है, पहले दोनों ही नंबर 100 से कम थे। अब एक नंबर, ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, ये नंबर 12 ज्यादा है एंड 95 100 से माइनस 5 है। सो अब क्या करना है, 112 माइनस 5 तो कितना आएगा, इट विल बी 107। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप बेस मल्टीप्लाई करना है, तो बेस मल्टीप्लाई 100 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 107 00। उसके बाद प्लस माइनस, इस बार माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 12 5 60 तो यहाँ पे 60 माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 04601। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट। सपोज मेरे पास नेक्स्ट टर्म है 102 एंड एक है 96। तो 102 100 से 2 ज्यादा है इसलिए प्लस 2, 96 100 से 4 लेस है इसलिए माइनस 4। तो 102 माइनस 2 इज 98 यहाँ, और बेस 100 है तो बेस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 9800 एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर साइन माइनस एंड 2 4s are, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2 4s are 8, तो यहाँ पर 8 एंड आंसर विल बी 2979। नेक्स्ट है जब हमारे पास बेस होता है 50, मेरे पास बेस हो 50, अगर मैंने लिया 45 और मैंने लिया 44, अब मेरे पास ये दो टर्म्स हैं, ये 50 से 5 लेस है और ये 50 से 6 लेस है। ओके, तो सेम प्रोसेस, 45 माइनस 6 कितना होगा, 39 होगा। अब हमने 100 वाले बेस में 100 मल्टीप्लाई किया था लेकिन यहाँ पे है 50 बेस, अब यहाँ पे है 50 बेस, बेस है 50, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 50 करेंगे, लेकिन ये ज्यादा इजी नहीं है, इसको और इजी करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम 50 को 100 बाय 2 लिख सकते हैं, 100 बाय 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 39 इंटू 100 दैट मीन्स 00 अपॉन 2, तो दिस विल बी इजियर, आंसर आएगा 100। यहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 1800, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, माइनस माइनस प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 5 6 30, तो 1830 इज माई आंसर। ऐसे ही सपोज मेरे पास एक नंबर है 48 और एक 50 से ज्यादा लेते हैं, सपोज 52, तो यहां पर 48 50 से 2 कम है और यहां पर 52 50 से 2 ज्यादा है, तो सेम प्रोसेस, 52 प्लस 2 कर लो या 52 माइनस 2, आंसर सेम होगा। तो 48 प्लस 2 इज 50 और यहां पर क्या करेंगे, हमने बेस मल्टीप्लाई करना होता है तो 50 को हम लिख सकते हैं 100 बाय 2, तो यहां पर 100 बाय 2 लिखेंगे इसको तो आंसर होगा 2500। यहां पर मेरे पास डायरेक्ट आंसर आएगा 2500, प्लस माइनस माइनस एंड 2 2s are 4, यहां पर मैं माइनस कर दूंगी 4, तो आंसर होगा 942। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर हमारे पास 200 बेस है तो भी हमें ऐसे करना है, 150 बेस है तब भी ऐसे करना है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो हमें अब देख लेते हैं स्क्वायर, जैसे सपोज मुझे 95 का स्क्वायर करना है, मेथड बिल्कुल सेम है, 95 प्लस 5 है 100 से 95, अब ये अगेन और सॉरी सॉरी माइनस 5 है 100 से 95, माइनस 5 है 100 से 95, माइनस 5 कितना है 90, अगेन यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें बेस मल्टीप्लाई करना है विच इज 100 और माइनस माइनस
प्लस एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विच इज 25, तो मेरे पास आंसर आएगा 9025। तो ऐसे हम हर किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं बेस रख के या तो बेस 50। अच्छा 50 बेस हमने तब रखना है जब हमारे पास 25 से 75 नंबर है, मींस जो भी बेस होगा उससे 25 कम और उससे 25 ज्यादा। अगर मेरे पास 100 बेस है तो मैं 75 से 125 टर्म्स तक 100 बेस यूज करूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है।